I am also CEO. Which one? India. KGF चैप्टर 2 14 अप्रैल को रिलीज हुई थी और रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर इसकी जो आंधी चली है उसमें जर्सी से लेकर बीस्ट और अन्य फिल्में धाराशाही हो गई हैं। आपको बता दें कि KGF चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही डायरेक्टर प्रशांत नील ने फिल्म के तीसरे पार्ट की झलक दिखा दी थी। तभी से फैंस KGF 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो जानने को बेताब हैं कि आखिर KGF 3 कब आने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि इसमें दिखाया गया है कि CIA की एंट्री के बाद आखिर क्या होने वाला है। आपको बता दें कि KGF चैप्टर 3 में यही दिखाया जाएगा। रमिका सेन ने रॉकी के खिलाफ जो डेथ वारंट निकाला है, क्या सच में रॉकी मर जाएगा या दुनिया पर राज करने का मां का सपना पूरा करेगा। आपको बता दें कि अब रॉकी यानी एक्टर यश ने एक इंटरव्यू में बताया कि KGF चैप्टर 3 कब बनेगी और फिल्म में क्या क्या सीन होंगे। आपको बता दें कि रॉकी की जिंदगी और इसकी कहानी में बहुत कुछ है जो तीसरे पार्ट में दिखाया जाएगा। यश ने आगे कहा, मैंने और प्रशांत ने KGF चैप्टर 3 के लिए काफी सारे सीन्स सोचे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम चैप्टर 2 में नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम चाहते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं हैं, ढेर सारे कमाल के सीन्स हैं, लेकिन ये सिर्फ आइडिया है और फिलहाल यही छोड़ दिया गया है। वेल, आपको बता दें कि प्रशांत नील ने पहले KGF को सिर्फ एक फिल्म के रूप में प्लान किया था, यानी पहले इसे फुल फ्लेज्ड रिलीज किया जाता जिसमें कोई सीक्वल या तीसरा पार्ट नहीं होता। लेकिन जब फिल्म के प्रोडक्शन का आधा काम पूरा हुआ तो टीम ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर दोबारा काम करने का फैसला किया। नतीजा ये हुआ कि स्क्रिप्ट को दो पार्ट में बांट दिया गया। चूंकि अब KGF एक ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी बन चुकी है, इसीलिए मेकर्स अब कहानी को और आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यश ने बताया कि KGF के बेस्ट सीन्स और पार्ट KGF चैप्टर 2 में थे, इसीलिए वो खुद पहले पार्ट को लेकर डरे हुए थे। उन्हें टेंशन थी कि अगर पहला पार्ट हिट नहीं हुआ तो फिर वो कभी दूसरा पार्ट नहीं बना पाएंगे। आपको बता दें कि KGF चैप्टर 2 में यश के अलावा रवीना टंडन और संजय दत्त समेत साउथ के कई सुपरस्टार नजर आए थे, जहां रवीना टंडन ने पीएम रमिका सेन का रोल प्ले किया था। वहीं संजय दत्त विलन अधीरा के रोल में दिखे थे। कमाई की बात करें तो KGF चैप्टर 2 ने जहां इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने रिलीज के 12 दिनों के अंदर ही 322 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, तो वहीं वर्ल्ड वाइड 907.30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वेल दोस्तों, क्या आपने KGF चैप्टर 2 देखा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये फिल्म आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और आपको KGF चैप्टर का अब कितना इंतज़ार है ये भी ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और इसके साथ साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।